हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों कि रोज़ाना की बात आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हमारे जो नए दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लेखपाल से भर्ती संबंधित ग्रामीण प्रवेश के 25 प्रश्न पत्रों को लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे इसमें 25 प्रश्न जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग होता है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर केवल हम जिक्र करेंगे, बाकी चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए कि चारों ऑप्शन क्या है और अपने कमेंट को, उत्तर को कमेंट में लिखते रहें और अपने मन में भी बनाते रहें, जिससे कि आपको भी इस प्रश्न का उत्तर याद होता रहे और कॉन्फिडेंस होता रहे। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सौंफ जो है, ठीक है। इसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम लोग जो है इसके फल को लाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का पहला आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है, ये बताना है। तो बताइए 77 का यानी दूसरे प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 72% जो है हमारे कर्मिक प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की, ठीक है दोस्तों। तो 72% जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि हम जो है कम समय में 25 प्रश्नों को करने के लिए केवल उन्हीं प्रश्न के उत्तरों को जिक्र करेंगे जो ऑप्शन में सही होंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न 78 क्या कहता है, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो अमरूद के लिए दोस्तों कौन सा सही है, ये आगरा इलाहाबाद, ये जोड़ा जो है अमरूद के उत्पादन के लिए सही है, ठीक है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हैं हमारे क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं और हमको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम लोग इनको इजी समझ लेते हैं और हमारे प्रश्न जो है उत्तर, प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, बनाते रहिए और ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये ईजी होते हुए गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये जो है 16.50% जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, देश में कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा फसल किसको उगाया जाता है, ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को कमेंट करते रहें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तिलहनी फसल का जो है ये हम लोग दूसरे नंबर पे जो है इसको उगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला कहता है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। तो दोस्तों, आप लोग को हम बता दें, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट द्वारा कराए गए प्रश्नों में कभी जो है अक्सर रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे और पीछे के सारे प्रैक्टिस सेट को करने के लिए हमारे चैनल को जो नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और सारे प्रैक्टिस सेट को करें, जिससे उनको एक्सपीरियंस और अनुभव बनता रहे, जिससे उनके प्रश्न जो है गलत ना होने पाएँ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 81 नंबर में बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, एक ही साथ दो फसलें को उगाना जो होता है वो युग्म कृषि युग्म पैदावार का आशय होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, ये बताना है, ठीक है। तो बताइए स्थान के नाम बताना है, शहरों के नाम। तो इसमें 82 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है पंतनगर, एक मिनट दोस्तों,
पंत नगर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा पंत नगर। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। तो यही बताना है कि जो गांव के भूखंड को विशिष्ट क्रमांक से दर्शाया जाता है उस मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो यही बताना है, 83 का जो है हमारा बी, उसको खसरा कहा जाता है, यही सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जगहों और उसके प्रसिद्ध उद्योगों का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, नीचे जो लिखे गए हैं उसके प्रसिद्ध शहर और उद्योगों के नाम लिखे गए हैं, तो इसमें एक गलत है, वही बताना है आप लोग को कि क्या गलत है। तो 84 में हमारा कौन सा होगा, तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है कानपुर लकड़ी के खिलौने जो है, ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ये जो है गलत जोड़ा है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसका बताइए कौन सा सही होगा। इसमें 1 अप्रैल 1999, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। बहुत अच्छा, गरीब की फसल किस फसल को कहा जाता है, ये बताना है। तो इसमें दोस्तों ज्वार जो है इसको गरीब की फसल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सेब में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है। तो अभी जो है हम लोग इसको शायद पढ़ चुके थे, तो इसके ऊपर था, तो 88 का सी ऑप्शन। ठीक है, बस वहीं 1 अप्रैल था दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था, ये बताना है, 89 का। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी 1998-99 में ये शुरुआत किया गया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है, ये बताना है। तो 90 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये हथकरघा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। बहुत अच्छा, तो बताइए गन्ना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, संसार के किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये बताना है। तो 92 का यानी 92 का कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है धान, ये जो है संसार में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा जो है पैदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे संविधान से ये है, संविधान संशोधन थे हैं, इसमें देखना है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, यही बताना है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज संस्थानों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने से संबंध है। तो इसमें ये क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देर न करते हुए। तो देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम वसा यानी फैट को की जरूरत पड़ती है, ये बताना है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर, ये 28 जो है किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है की आवश्यकता होती है ग्रामीण इलाकों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं।
तो 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त तो सभी कदम जो है उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा गया है सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बताइए 96 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बहुउद्देशीय वाले योजनाएं जो है इसमें इसको करने के लिए जो है प्रोत्साहित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बहुउद्देशीय वाले, ठीक है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। 97 का ए ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 यानी 1970 को किसने शुरू किया था, ये बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी माफ कीजिएगा सी जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्गीस कुरियन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। बसंत ऋतु की फसलों की बुआई किस माह से किस माह के मध्य की जाती है, ये बताना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य फरवरी से मध्य मार्च के मध्य की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा 1982। ठीक है दोस्तों, तो 1982 इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा, अपने कमेंट करके अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें।